हेलो दोस्तों वेलकम टू जुनून ऑफ क्रिएशन आज मैं एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए आप लोगों से ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैंने घर पर ही बनाया है ये आप बर्थडे के लिए मैरिज पार्टी के लिए मेहंदी के लिए हल्दी के लिए किसी भी फंक्शन के लिए इस टाइप का फ्रेम आप घर पर बना सकते हैं ये वही ट्रिक्स हैं जिससे मैंने अपना हल्दी वाला ट्रे तैयार किया था और हमारे घर में बहुत सारी हैं और वो वाली वीडियो आप लोगों ने सब ने बहुत लाइक किया था देखिए इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया है फ्रेम बना लिया है पहले धागे से बांधने के बाद इसको टेप से मैंने सिक्योर कर लिया है और अब इसके लिए एक कार्टून चाहिए था तो कार्टून बहुत छोटे छोटे थे तो कोई नहीं ब्लू स्टार का डिब्बा हमारे यहाँ रखा था हमने उसको कट कर लिया है पतली पत्ती स्ट्रिप्स के फॉर्म में क्योंकि जो फ्रेम बना है लकड़ी से वो बहुत पतला है इसके चारों तरफ हमें लगाना है दफ्ती और दफ्ती लगा ऐसे लग नहीं पा रही थी टेप से तो हमने इसको थोड़ा सा सुई और धागे से सिल लिया है और सिलने के बाद इस पर हम ब्लैक चार्ट पेपर लगा देंगे और अपना डेकोरेशन कंप्लीट कर देंगे इस तरह से देखिए मैंने सिल लिया है छोटे छोटे स्टिचेस देकर और पीछे साइड हमारी लकड़ी है और आगे साइड हमारा जो ब्लू स्टार वाली रफ्त हमने कट की है वो है और ये हमारा पूरा फ्रेम रेडी हो गया है देखिए अब हमें इसका करना है डेकोरेशन ब्लू स्टार भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है और ये काफ़ी बड़ा फ्रेम बन के तैयार होगा जो बहुत ही सुंदर दिखेगा अब मैंने कुछ ब्लैक चार्ट पेपर्स लिए हैं लगभग लग लग पाँच से छः चार्ट पेपर इसके कवरिंग में लग गए हैं और इसको बीच बीच से हमने कट किया और कट करने के बाद इसके चारों तरफ लगाया और फिर देखा कि फ्रेम ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था मतलब इस पर बिना कोई डेकोरेशन के ब्लैक जब आउटिंग बनी थी तो बहुत प्यारा लग रहा था बीच से इस तरह से इसको अलग करने के बाद हमने रख के देखा कि सारे कवर हो जाएंगे या कम पड़ेगा तो लगभग चार से पाँच चार्ट में हो गया था हमारा कवरिंग ये देखिए इस तरह से मैंने किया है एक तरफ रख के फिर दूसरी तरफ से टेप से इसको सेक्योर किया है दो चार्ट में वन एंड हाफ़ हो गया है और फिर दो चार्ट में वन एंड हाफ लगभग आप पाँच चार्ट ले लीजिएगा पाँच चार्ट में आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ये फोटो पेन इसके बाद हमने इसको बैक साइड से सैलू टेप से सिक्योर किया है कहीं कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो हमने फेविकोल भी अटैच किया है और इस तरह से हमने कुछ छोटी छोटी कटिंग्स बनाई थी जैसे मिक्की माउस का फेस है स्टार्स हो गए बैग हो गया पर्स हो गया क्योंकि ये जो आपका सेल्फी पॉइंट बनने जा रहा है ये एक बच्चे के लिए है जो लगभग एक साल का होने वाला है तो उसके लिए बर्थडे के लिए मैंने प्रिपेयर किया है तो यहाँ पर केक और हैप्पी बर्थडे टाइप इस टाइप लिखना है हमें और सबसे जो उनकी बर्थडे की थीम थी वो पिंक एंड ब्लैक थी तो मोस्टली जितने भी कलर्स हम लोगों ने यूज़ किए वो पिंक एंड ब्लैक और इस तरह से मैंने चार्ट पेपर पर एक मिकी माउस ड्रा ड्रॉ कर लिया है ड्रॉ करने के बाद इसके जो कपड़े हम लोग पहनाएंगे जनरली वो पिंक और ब्लैक ही यूज़ किए पिंक ब्लैक और वाइट जो भी कलर है वो यूज़ किए हैं पिंक कलर की स्कर्ट उसके शूज उसके बो या जो भी उसकी ज्वेलरी ऐसे हैं वो सब पिंक कलर में ही रखी हैं बस लाइट एंड डार्क का ध्यान दिया है शर्ट और ब्लैक चार्ट पेपर जो हमारा बचा हुआ था उसी को हम लोगों ने यूज कर लिया है तो ये देखिए इनकी स्कर्ट रेडी हो गई है अब हमें करना है इनके ऊपर के टॉप रेडी और उसके लिए मैंने पिंक ग्लेस पेपर लिया है और ग्लेस पेपर से इस तरह से टॉप कट करके हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से करने से आपके लिए टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा जो कलर पेंट लगता है वो कलर पेंट भी नहीं लगेगा और आपका बहुत जो जो भी पैटर्न होगा वो बनकर बहुत अट्रैक्टिव कलर आएगा क्योंकि ग्लेस पेपर बहुत शाइन करता है और ये डार्क डार्क कलर्स बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं ठीक मैंने बो में भी यही सेम पिंक कलर के पेपर वाला लगा दिया है और अब हमें जो ब्लैक चार्ट पेपर बचे हैं उनके हैंड्स लेग्स कट करके हम उसके मिकी माउस के जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से उसी साइज़ का बनाकर हम इसके लिए देखिए ध्यान रखिएगा एक एक ब्लू वाला कार्बन पेपर आता है एक वाइट कार्बन पेपर आता है तो वाइट कार्बन पेपर से हम लोग ट्रेस करते जा रहे हैं और सेम उसी साइज़ का ट्रेस कर करके पेस करते जा रहे हैं और ये मोबाइल से मैंने देखी सेम ऐसे ही बनाया है और जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है तो इसमें मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स थे इसके मैंने चार्ट पेपर से ही कंप्लीट कर लिए ब्लैक एंड पिंक और जो आउटिंग आउट करने के लिए आउटिंग करने के लिए हम उसको ब्रश और पेंट से हाईलाइट करेंगे जिससे कि वो अलग से बिल्कुल दिखाई दे इस तरह से देखिए अब हमारा ये लगभग आधा कंप्लीट हो गया इसको सूखने के लिए रख देंगे जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसकी जो किनारियाँ हैं या फिर जो आउटलाइनिंग है उसको हाईलाइट करेंगे ब्लैक पेंट से ठीक है और अब इसको आउटिंग भी जो एक्स्ट्रा वाइट पेपर है उसको निकालना पड़ेगा कट करके और ये तब तक हम कुछ तैयार कर लेते हैं जो हमने ग्लिटर शीट का यूज़ करके बनाया है ये छोटे बच्चे की सैंडल्स हैं और ग्लिटर शीट पिंक एंड वाइट से बनाया क्योंकि थीम हमारी पिंक एंड ब्लैक थी इसलिए हमने मोस्टली पिंक ब्लैक एंड वाइट कलर सिल्वर कलर गोल्डन कलर ही यूज़ किए हैं इसके बाद हमने ये बैग बनाया है जो भी ग्लिटर शीट से बहुत छोटे छोटे से इ, पेपर से ही बन जाता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके लिए आपको सामान नहीं खरीदना है जो कुछ भी बचे हुए पेपर्स थे वो हमारे पास हमने उनको यूज़ किया है ये वन बनाया है हमने बहुत बड़ा सा क्योंकि वो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था इसलिए तो देखिए ये वन है इसके ऊपर क्राउन है और नीचे और एक ब्लू ग्लिटर शीट को लगाकर हमने पूरा वन का जो बेस है उसे कंप्लीट किया है तो इस तरह से ये हमारे उसमें फ्रेम में लगाने में डेकोरेट करने में काम आएगा ये देखिए इसका बेस है ब्लू कलर का सारा काम ग्लिटर शीट से ही क्योंकि रात में फंक्शन है तो वो बहुत हाईलाइट हो बहुत दिखाई दे बहुत अच्छा लगे इसलिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो पेपर से हमने बनाए हैं और ये सारे फ्रेम में हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि सारी चीज़ें फ्रेम में एडजस्ट हो जाए और कहीं ना कहीं पर मतलब कलर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ठीक और ये देखिए ये कुछ हैंड्स हैं कुछ सिम्बल्स हैं इमोजी टाइप जब मैं ये बना रही थी कलर कर रही थी तो कुछ बच्चों ने मुझसे स्कूल पूछा कि मैम आप यह क्या करेंगी तो मैंने बच्चों से बोला भी कि मैं इसमें करंट लगा कर आपको स्लैप लगवाऊंगी ठीक है तो अब उन बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करने वाली थी इनसे कि फोटो फ्रेम में इनको यूज करना था और ये सिंबल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ठीक है जितना भी आपको इमेजेस निकालना हो आप कार्टून स्पिक गूगल से निकाल कर वहां से देख कर ड्रॉ कर सकते हैं तो मैंने ड्रॉ किया है फिर ब्लैक मार्कर से इसकी आउटिंग की है और स्काई ब्लू से हल्की की शेडिंग कर दी है और ये जहां पर भी एडजस्ट हो पाएगा हम उस फ्रेम में इसको एडजस्ट कर देंगे ठीक ये ग्लव्स हैं जो छोटे बेबी के लिए तो ये वहाँ पर एडजस्ट करने में काम आएंगे अब ये देखिए केक मैंने बनाया है ये केक प्रिंटर से निकलवा लिया था और उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर भी कलरफुल पेपर बचे थे मैंने वहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया कैंडल्स लगा दियाटर शीट से बहुत सुंदर केक लग रहा है ठीक है इसके बाद मैंने कुछ फेसेस कट किए हैं मिक्की माउस के आ, ये देखिए इनका बो है ये भी पिंक कलर में ही है मोस्टली पिंक कलर ही यूज़ किया है ठीक है अब इसके बाद ये देखिए कुछ फेस हैं इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना सिर्फ डायरेक्टली एक कट करके दूसरा भी उसी के ऊपर रख के हमें दो फेसेस कट कर लें हैं अपने कॉर्नर के लिए अब जो भी ग्लिटर शीट बची है मैंने उसके स्टार्स कट कर लिए छोटे बड़े जैसे भी मुझे साइज समझ में आया मैंने उसके स्टार्स कट किए जिससे कि मैं उसे कहाँ कहीं पर भी अगर स्पेस बच रहा है कहीं पर भी एडजस्ट हो रहा है या कहीं पर कलर कॉम्बिनेशन एडजस्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पर हम स्टार्स को एडजस्ट कर सकें ठीक अब कुछ ग्लिटर शीट अभी भी कटिंग्स के थ्रू बच गई हैं अब इनको जहाँ पर भी है मैं जैसा यूज़ करना होगा मैं इनको यूज़ करेंगे अदरवाइज ये फिर दूसरे काम में आएंगी ठीक तो आठ से दस ग्लिटर शीट ली थी मैंने जिससे ये मेरा पूरा फ्रेम तैयार हो गया है हैप्पी बर्थडे के कुछ लेटर्स मैंने गोल्डन शीट से कट कर लिए हैं और हैप्पी बर्थडे पूरा नहीं कट किया है क्योंकि स्पेस इतना नहीं था उसमें तो हैप्पी और बी देन डॉट फिर डे ठीक और ये इतने बराबर से इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने प्रिंटर से निकलवाया था ठीक आप लोग भी इस तरह से कट करिएगा और कट करने के बाद ऐसी शीट लीजिएगा जिससे कि वो पेस्ट हो जाए मतलब पेस्टिंग वाली अभी हमारा ये सूख के रेडी हो गया अब हमें इसकी आउटिंग करनी है और रात के साढ़े तीन बज रहे हैं लेकिन एनिया मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि कल फंक्शन है और लेट नहीं कर सकते और इसे सूखने का भी टाइम देना था अब हम फेविक वाला कलर लेंगे इसकी आउटिंग करेंगे और आउटिंग करने के बाद ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा और मिकी माउस बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और हमारे जो फोटो फ्रेम है सेल्फी पॉइंट है उसका मेन बेस यही है कि तो हमें इसको जितना चाहें हम उतना सजा सकते हैं इसके हाथ फेस पैर या जो भी चीज़ें हैं उसको इन्हांस कर सकते हैं बाई दिस ब्रश एंड फैब्रिक पेंट ठीक है तो वन बाय वन मैंने इसकी आउटिंग करना स्टार्ट किया और बन नहीं पा रहा था क्योंकि एक हाथ से कैमरा होल्ड किया था और एक हाथ से ब्रश तो मैंने थोड़ा थोड़ा कराया है और फिर आपको स्टॉप करके दिखाया है लेकिन आप कोई भी ड्राइंग बनाइए कुछ भी बनाइए इस तरह से अगर आप बना रहे हैं कि पहले हल्का सा पैटर्न आप ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करने के बाद उस पर पे ग्लेस पेपर की या कलरफुल पेपर की पेंटिंग करके फिर उसको हाईलाइट कर लीजिए जैसे मान लीजिए आपका ब्रश या पेंट में आपका हाथ सेट नहीं है तो आप इसकी जगह पर ब्लैक मोटा मार्कर यूज़ कर सकते हैं यकीन मानिए जो भी इमेज बनाएंगे वो बहुत प्यारी होगी बहुत शानदार होगी तो इस तरह से आप बनाकर ट्राई करिएगा मैं तो जनरली इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि जो भी बोर्ड वगैरह बनाने होते हैं हम लोगों को या कर्टेन बनाना होते हैं या कोई ऐसी इमेज जो बैक साइड पे बनती है वो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं ताकि बड़ी सी बड़ी इमेज हो और अट्रैक्टिव हो तो ये हाईलाइट करते हुए इसका फेस और इसकी आईज एक आँखें मार रही है मुझे ठीक है अच्छा अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको गूगल से लिया और इसी इमेज को ही बना लिया आ, लेकिन बनने के बाद भी बहुत अच्छी लगी ठीक है तो अब इसी से मान के चलिए कि रात के चार बज चुके हैं रात के क्या सुबह ही के कह लीजिए आज फंक्शन है हमारे यहाँ तो हमें इसको एनी हाउ कंप्लीट करना है और यही रह गया बाकी सारी चीज़ें उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उस उसमें लगनी है वो सब कंप्लीट हो गई हैं और इसको भी सूखने अभी मतलब ये तीन बार में बनाया पहले हमने ड्रॉ किया फिर उसके बाद पेस्टिंग की फिर इसको हाईलाइट किया हाईलाइट करने के बाद इसकी कटिंग करनी है और कटिंग भी आप जानते हैं कि तभी हो पाएगी जब ये पूरा सूख जाएगा तो इस पर जो पेंट लगा हुआ है इसकी किनारे किनारे कटिंग हम तभी करेंगे जब लगभग एक से दो घंटे हो जाएंगे सूख जाएगा अब ये छोटे छोटे सर्कल्स जो बच्चे थे ग्लिटर शीट उससे कट कर लिया है और इसके स्कर्ट पे हमें स्केटर्ड कर देने हैं इस, स्कर्ट पे और बो पर भी बो पर भी स्केटर्ड कर देंगे जिससे कि ये और अच्छा दिखने लगे और पूरा ड्रेस इसका कंप्लीट हो जाए और लगभग ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है रह गया है सिर्फ इसकी आउटिंग कट करना वो मैं सुबह करूंगी ठीक अब ये फ्रेम हमारा रखा है और इसको हम जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रख कर एक बार देख लेते हैं कि सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं कि नहीं पहले पेस्टिंग नहीं करेंगे आप पहले सारा रख के अरेंज कर लेंगे रख के अरेंज करने के बाद फिर आप पेस्टिंग स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले हम लोगों ने वन रखा है वन के ऊपर क्राउन लगाया है और क्राउन लगाने के बाद जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स थे जैसे मान लीजिए बैग है बो है या फिर स्टार्स हैं वो सब हम वन बाई वन वन बाई वन अरेंज करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे कलर कॉम्बिनेशन जैसे पिंक है तो पिंक के पास ही पिंक बार बार ना है या फिर बैग जैसे हम रख रहे हैं तो सारे पिंक एक साथ हो रहे थे तो फिर बैग हमने हटाया फिर स्टार्स लगाया फिर उसके पास हैंड्स लगाए है। तो इस तरह से अरेंज करिए कि सारे कलर एक जैसे ना हो ब्लैक के साथ कंट्रास्ट भी हो और आपकी पिंक एंड ब्लैक की थीम भी बनी रहे और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब ऐसे अरेंज हो कि एक जैसे ना दिखे फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हाईलाइट नहीं हो पाएगा ये ठीक है तो सारी चीजें हम लोगों ने इस तरह से हाईलाइट की सबसे ऊपर सेंटर पे टॉप पे हैप्पी बर्थडे लिखा है दो उसके कॉर्नर जो हैं वहां पर उनके फेसेस लगा दिए वन एक साइड पर लिख दिया और एक साइड पर अपना मेके माउस लगा दिया अब जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बचेंगे वो हम ऑब्जेक्ट्स को उन्हीं फ्रेम पर अरेंज कर देंगे बचेगा नहीं कुछ हमारा कुछ वेस्ट नहीं जाएगा जितना हमने बनाया है वो सब काम आ जाएगा ये सिर्फ मैंने रख के देखा भी पेस्ट नहीं किया है इसको पेस्ट करके फाइनल में उन्होंने खड़ा करके देखा तो ये देखिए इस तरह से हमें दिख रहा है और ये बहुत ही सुंदर फ्रेम बन के रेडी हुआ है और एक बच्चा भी बैठा है इसके पास में उससे बोल रही हूँ और जो देखिए ये डेकोरेशन हमने इसका बैक साइड का करवाया था और ये जो फोटो फ्रेम है ये हमने खुद से बनाया है लेकिन लोग डेकोरेशन को नहीं देख रहे थे यकीन मानिए इसी फोटो फ्रेम को देख रहे थे इसी यही सेल्फी पॉइंट जो उनका था हर कोई यहीं पर खड़े होकर फोटो खिंचाना चाह रहा था तो जो पीछे का डेकोरेशन था उसकी तो किसी ने तारीफ ही नहीं की ना किसी ने देखा ना ही किसी ने पूछा और सेल्फी पॉइंट जो था वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सब लोग उसी को देख रहे थे तो इस टाइप का सेल्फी पॉइंट आप घर पर ईजिली सस्ते से सस्ते कॉस्ट में आप रेडी कर सकते हैं चाहे आपका मेहंदी थीम हो चाहे आपका हल्दी थीम हो चाहे आपका बर्थडे थीम हो हम लोगों ने खूब जम के सेल्फी ली इसमें खूब फोटोज खिंच भाई है। और बहुत अच्छा है अभी भी रखा है बहुत मज़बूत है टिका हुआ है क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है और इसके जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखने से खराब हो गए हैं लेकिन हम जब चाहेंगे इसको दोबारा रि कर लेंगे क्योंकि फ्रेम तो एक बार बन के रेडी हो गया है और अब हम इस पर कोई दूसरा चीज लगाकर इसको एडजस्ट कर लेंगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू